तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले अपना टाइम आएगा वाले फोटो एडिटिंग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से इस तरह की फोटो एडिटिंग कर सकते हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो आज की वीडियो बहुत ही कमाल होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहे बिना स्किप किए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे बोलना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप इस तरह के आने वाली वीडियो से मिस ना हो पाए। तो बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको इस बैकग्राउंड को चूज़ कर लेना है और इसे आपको यहाँ पर सेंड कर देना है पिक्सार्ट ऐप में। इस बैकग्राउंड का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और उसे किस तरह से डाउनलोड करना है इसका भी वीडियो मैंने दे दिया, आप जाकर पहले उसे देख लीजिएगा। जिसे बैकग्राउंड को डाउनलोड करते नहीं बन रहा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने उसमें बताया है कि किस तरह से बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है। तो इसे हम सेंड कर देंगे यहाँ से पिक्सार्ट ऐप में। तो आज मैं सेंड कर देता हूँ। तो पिक्सार्ट में आने के बाद हम अपने बैकग्राउंड का साइज यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। तो बैकग्राउंड का साइज इंक्रीज़ करने के लिए आपको यहाँ पर चले आना है टूल्स वाले ऑप्शन में। जहाँ से हम चले आएंगे टूल्स वाले ऑप्शन में, आने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा रिसाइज का ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको सबसे बड़ा नंबर ऐड कर देना है। तो ऐसे हम 5000 ऐड कर देंगे और देखेंगे स्क्रीन पर क्या शो होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 22.07 शो हो रहा है। यहाँ पर आपको 1 पॉइंट घटाकर 2 बार से भाई साइड डाल देना है। तो ऐसे हम 22.06 डाल देंगे और डालने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो इस तरह से आपका जो बैकग्राउंड का साइज़ है इंक्रीज हो चुका है। अब हम इस पर ऐड करेंगे अपने मॉडल को। तो यार, मॉडल को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है ऐड फोटो के ऑप्शन में और यहाँ से आपको अपनी फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मॉडल के लिए मैंने इस फोटो को सेलेक्ट कर लिया है। इसका बैकग्राउंड हम इरेज करेंगे। तो बैकग्राउंड इरेज करने के लिए आपको यहाँ पर चला जाना है कटआउट वाले ऑप्शन में। तो यहाँ से हम चले आएंगे कटआउट वाले ऑप्शन में। आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ये वाला आइकन नजर आ रहा होगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते यहाँ पर आपको साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और छोटा करने के बाद आपको यहाँ पर मॉडल के ऊपर इस तरह से आउटलाइन को फेर देना है। तो हम फेर देंगे और आउटलाइन को फेरने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो हम डन कर देंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे हमारा कुछ कुछ पार्ट यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हुआ है और कुछ पार्ट ओवर आ रहा है। तो ऐसे हम एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर चले आना है रबर वाले आइकन पर। तो ऐसे हम चले आएंगे रबर वाले आइकन पर। आने के बाद आपको यहाँ पर साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देना है और हार्डनेस को फुल कर देना है। तो ऐसे हम फुल कर देंगे और यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे हम एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारा का सारा सेलेक्ट कर लिया है। अब सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो हम डन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे मॉडल का बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देना है मॉडल को। तो हम बड़ा कर देंगे और बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लेना है और कुछ सोफे पर इस तरह से बैठा देना है। तो हम बैठा देंगे और सारा का सारा एडजस्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो हम डन कर देंगे। तो दोस्तों, आप चाहे तो इसमें हेयर पिंजी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हेयर पिंजी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसमें मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हेयर पिंजी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो पिक्सार्ट का काम था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे रिटच करेंगे लाइटरूम से ताकि हमको एक बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड हो और एक अच्छा सा इफेक्ट बन सके। तो पहले हम इसे सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पर चले आना है ड्रॉ वाले ऑप्शन में। तो हम चले आएंगे ड्रॉ वाले ऑप्शन में। आने के बाद आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा 3 डॉट का ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको बीच वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो हम क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो फोटो है हाईएस्ट क्वालिटी में सेव हो जाएगी गैलरी में। तो भाई, अब आपको इस फोटो को ओपन कर लेना है लाइटरूम ऐप में। लाइटरूम ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप सिंपली जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आप चलते हैं लाइटरूम ऐप की तरफ। तो लाइटरूम में फोटो को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले ये वाले आइकन पर चले जाना है। तो चले आएंगे इस आइकन पर। आने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आपको दोनों को ऑन कर देना है। तो हम ऑन कर देंगे। ऑन करते आपको एक और ऑप्शन नजर आ रहा होगा मैनुअली सेलेक्ट प्रोफाइल का। सिंपली आपको उस पर टैप कर देना है। तो हम टैप कर देंगे। टाइप करते यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। तो हम चूज़ कर लेंगे और यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है निकॉन का सेटिंग। तो हम अप्लाई कर देंगे और डन कर देंगे। अब दोस्तों, डन करते यहाँ पर आपको नजर आ रहा थर्मामीटर वाला आइकन। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो हम क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, क्लिक करते यहाँ पर आपको मिक्स टूल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा ऊपर की तरफ। यहाँ से आपको सिंपली टैप कर देना है। तो हम टैप कर देंगे। मिक्स टूल में आने को तो आपको यहाँ पर सबसे पहला कलर चूज़ कर लेना है पीले वाला। तो हम चूज़ कर लेंगे। अब चूज़ करने को आपको ह्यू का ऑप्शन पूरा का पूरा माइनस कर देना है। तो हम माइनस कर देंगे और इसके बाद आपको हरा कलर चूज़ कर लेना है। तो हम चूज़ कर लेंगे। यहाँ से आपको इसका भी ह्यू ऑप्शन पूरा का पूरा माइनस कर देना है। तो हम माइनस कर देंगे और ल्यूमिनस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो हम बढ़ा लेता हूँ। इसके बाद आपको नीले वाले कलर में चले जाना है। तो हम चले आएंगे इस कलर में। आने के बाद आपको यहाँ पर सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो हम बढ़ा देंगे और इतनी कलर सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो हम डन कर देंगे। तो इसके बाद आपको ये वाले टूल में चले आना है। तो हम चले आएंगे। तो इस ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर क्लियरिटी का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसको आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो हम बढ़ा देता हूँ। इसके बाद आपको डीएच को थोड़ा सा माइनस कर देना है। तो हम माइनस कर देंगे।
इसके तो आपको बिगनर को भी थोड़ा सा माइनस कर देना है तो उसे माइनस कर देंगे। तो इसके बाद आपको मिड पॉइंट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसको आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है तो उसे बढ़ा देंगे। इसके बाद आपको फेदर को थोड़ा सा लो कर देना है तो उसे लो कर देंगे। और इतना करने के बाद आपको उसके नीचे वाले टूल में चले जाना है तो उसे चले जाएंगे। तो इस ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर शार्पनिंग का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसको आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है तो उसे बढ़ा देता हूँ। इसके बाद आपको रेड्यूस का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसको भी आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है तो उसे मैं बढ़ा देता हूँ। इसके बाद आपको डिटेल को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है तो उसे मैं करीब इतना बढ़ा लूँगा। इसके बाद आपको नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसको आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है तो उसे मैं इतना बढ़ा लूँगा। इसके बाद आपको कलर नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसको आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है तो उसे मैं इतना बढ़ा लूँगा। और इतना सा बढ़ जाने को आपको यहाँ पर डन कर देना है तो हम डन कर देंगे। तो इस तरह से हमारी फोटो में रिटचिंग हो गई है और एकदम HD शो हो रही है हमारी फोटो, यहाँ पर देख सकते हैं आप बिल्कुल भी नहीं फट रही है। तो अब हम इस फोटो को सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए आपको ऊपर नजर आ रहा 3 डॉट का ऑप्शन, सिंपली आपको उसका टैप कर देना है तो हम टैप कर देंगे। टैप करते यहाँ पर आपको चले जाना है सेव टू डिवाइस वाले ऑप्शन में तो हम चले जाएंगे। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज़ कर लेना है तो हम चूज़ कर लेंगे। और चूज़ करते आपको यहाँ पर कर देना है ओके तो हम ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करोगे तो आपकी जो फोटो है हाईएस्ट क्वालिटी में सेव हो जाएगी गैलरी में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे बोलने जाऊँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप इस तरह के आने वाली वीडियो से मिस ना पाएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर कल लौटूंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।